वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिन जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज का कमेंट मलिक भाई, और ध्यान से सुनना भाई, क्या कि ये भाई देवबंद के पास का रहने वाला है। देवबंद के पास एक गांव है, वहां पर एक बंदा शर्त हारने के बाद उसने अपने कबूतर की जो उड़ान दे के आया था शर्त में, हारने के बाद उस कबूतर की गर्दन दराती से काट दी, दराती से, और उसके ऊपर बुरा वक्त आ गया। तो एक मिसाल, एक हकीकत और एक सच्चाई हम भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ये हकीकत है। हमारा भी एक मिलने वाला कबूतरबाज, हम उसे जानते हैं, जानते थे, है नहीं भाई, थे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आदत थी, सुन के आप हैरान रह जाओगे दोस्तों। ऐसी आदत शायद ही आपके एरिया में हो, अगर ऐसी कोई कर रहा, हाथ कर रहा तो कमेंट करके बताना रे भाई, आपके एरिया में अगर कोई ऐसा गिरा हुआ इंसान है कबूतरबाज तो कमेंट करके बताना, और ऐसे बंदों की पुलिस कंप्लेन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कि वो बंदा कैसा था जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो अगर अपने दुश्मन का कबूतर पकड़ लेता था, ठीक है ना, दुश्मन का कबूतरबाजी में ये सबसे बुरी आदत है चिड़ी मारी की, सबसे बुरी जहालत वाली बात है ये दोस्तों, कि पकड़ना, चिड़ी मारी करना, तेरा मैंने पकड़ लिया, तेरी ऐसी की तैसी, ले पकड़ ले, ले क्या करेगा, ठीक है। ये सबसे बुरा काम है कबूतरबाजी में, ये बंद होनी चाहिए चिड़ी मारी। तो मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ बंदे का, इतनी तकड़ी दुश्मनी थी उसकी दोस्तों, ये हकीकत है। जब वो अपने दुश्मन का कबूतर पकड़ लेता था, सामने वाले का, क्या करता था, एक तो था कि कबूतर पकड़ लिया, बंदा जल के भाई यार इसने मेरा पकड़ लिया, गुस्सा आता ना कि यार इसी ने क्यों पकड़ा, कोई और पकड़ लेता था। मगर वो उसको और जलाने के लिए, और जलाने के लिए क्या करता था, कबूतर पकड़ा, तेरा है ओए ये कबूतर, तेरा ये तेरा है कबूतर, है ले देख, हाथ में पकड़ा, हाथ में ही कबूतर पकड़ा, ये गर्दन उसके ऊपर ऐसे निकाली, ये गर्दन ऐसे उसके ऊपर निकाली, दिखाएगा उसको, ओए ये देख, इस तरह करता हूँ, ये देख तेरा है, ये तेरा है, ये तोड़ा, और ये मुंडी दिखा दी, ये देख तेरा है, ये देख मुंडी देख, तोड़ दी गर्दन उसकी, मतलब ऐसे दिखाएगा उसको कबूतर हाथ में लेके पकड़ के ना, ऐसे गर्दन दिखाएगा, ऐसे कबूतर गर्दन ऊपर रहेगी ना दोस्तों, ऐसे दिखाएगा, देख तेरा है ये, पकड़ लिया ना, अब उसकी गर्दन ऐसे ऐसे दिखाएगी ना ऊपर, ठीक है ना, तेरा ये देख गर्दन हिल रही, तेरा ये कबूतर, उसको दूर से दिखाएगा, चिढ़ाएगा और पकड़ेगा, एकदम तोड़ के ही कहेगा ये देख लटका के दिखाएगा, और फिर कबूतर दिखाएगा, देख तेरा ये, तेरा ये, तेरा, अब फेंक देगा सड़क में ऐसे। बहुत गलत किया दोस्तों उसने, बड़े कबूतर मारे ऐसे, तोड़ देता था गर्दन, यकीन मानना। शायद 4-5 साल के अंदर वो चरपाई पर सोता ही रह गया, हकीकत है, सोता ही रह गया। तो डर लगता है दोस्तों, जिक्र करते हुए घबराहट होती है अंदर, यार हमें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। अगर कुछ जो शौक कर रहे हो उसकी सेवा भी करो, ठीक है, नहीं संभाला जा रहा, नहीं बीमार हो रहा, वो नहीं सेवा हो रही, किसी को दे दो, ले भाई तू बचा ले इसे, ले भाई तू तू इसका इलाज कर ले, मगर ऐसी गलत हरकत मत करो। किसी से दुश्मनी, आप और कबूतर, बेचारा बेजुबान कबूतर भी था, उसको क्या पता, बेचारा गलती से आगे तेरी छत उतर गया, तेरे ये ले, गलत बात, बहुत गलत बात। अब उसी की सुन लो, देवबंद से भाई शौक कर रहा है वो, ठीक है, और बाजी हारने के बाद कबूतर की क्या गलती थी, उसके अंदर जो जितनी जान तुमने भरी, मुँह से निकलती है मेरे गलत बात, फिर लोग आकते इमरान भाई ज़्यादा बोल जाता है, नलायक आदमी सॉरी नलायको जाहिलो, मुँह से निकलती है ये उनके लिए जो ये गलत काम करते हैं। अब जब तुम्हारे बस का शौक करना, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती किसी की बात, तो हाथ जोड़ता हूँ, ये शौक छोड़ के ना कुत्ते पाल लो, कुत्ते वो अच्छे, मत करो शौक, ये बदनाम मत करो, ये काम मत करो आप, ठीक है, कि बाजी हार गए और गुस्सा कबूतर की गर्दन काट दी, गर्दन धराती से काट दी, और एक आदमी ने बाजी हारने के बाद कबूतरों को आग लगा दी थी, तेल छिड़क के कबूतरों पे आग लगा दी थी, आई थी ना व्हाट्सएप पे वीडियो, कि बाजी हार गया, कबूतरों में तेल डाल के आग लगा दी उसने, सारे सब कबूतर जला के मार दिए गुस्से में। तो भैया जब तुमसे हार बर्दाश्त नहीं ना होती, कबूतर ना पाल लो, कुत्ते पाल लो, कुत्ते
प्लीज़ बुरा मत मानना मेरी मेरी बातों का, क्योंकि उनकी बददुआएं ना आपके आने वाली औलादों पर या आपकी बीवी पर, आपके बच्चों पर या आपके ऊपर आफत आ सकती है, क्योंकि इस जन्म का करा हुआ कांड ना इसी जन्म में भुगत के जाएगा या तेरी औलाद भुगतेगी, हकीकत है ये। तो प्लीज़ भैया तोबा कर लो, तोबा कान पकड़ के कि रब या अल्लाह या भगवान जिसको भी मानते हो, या अल्लाह मेरी तोबा तोबा कर लो, अगर गलती की है तोबा कर लो, आप पछतावा हो जाएगा तो शायद आपका छुटकारा हो जाए, नहीं तो सोते रह जाओगे। ठीक है, तो ये कांड ना करो भाई, शौक कर रहे हो, बड़े प्यारा, सबसे मेरी नज़रों में, किसी की नज़रों में हो या ना हो, मेरी नज़रों में दुनिया का सबसे प्यारा सबसे लाजवाब शौक है कबूतरबाजी। सारी उम्र ता उम्र रात और दिन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ठीक है, हर वक्त बंदा इसमें एंटरटेनमेंट। ठीक है, हर वक्त ये लगी रहती, आज ऐसे शाम को ऐसे सुबह को ऐसे, आज वहाँ जाना आज यहाँ जाना, आज ये लाना आज इसका जोड़ा लगाना, ये बच्चा उड़ाना ये बच्चा पढ़ रहा है, 24 घंटे उसको दिमाग जो है एंटरटेनमेंट है ना, सबसे बढ़िया शौक है ये। मगर ऐसे आदमियों के लिए शौक नहीं भैया, जो ये लड़ाई झगड़े, जैसे अभी मैं कल ऑनलाइन हुआ और एक जाहिल इंसान आके एकदम, इमरान भाई कहाँ हो गया बताओ, उन्हें ये नहीं पता ये बंदा क्या शौक कर रहा है, क्या चीज़ लेके चल रहा है, किस तरह की वो आवाज़ कर रहा था, शर्म नहीं आती ऐसे आदमियों को। तो ऐसे बंदों का शौक नहीं है ये। ठीक है, ये नहीं कि एक 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 बाजी जीत ली हमने और बाजी जीत के उस्ताद बन के पूरे गांव को चैलेंज है, पूरे कबूतरबाजी को चैलेंज है, और इसके कबूतर छुड़वा दूंगा मैं, उसके छुड़वा दूंगा मैं। ठीक है, खुद के बिक जा बंदों के, खुद के ख़त्म हो जा। बहुत मिसाल है हमारे आंखों देखी, मगर मैं उनका नाम का जिक्र कर दूँ, वो आज यहाँ डंडा लेके मेरे घर आ जाएंगे, तो उन्हें कहा कैसे, क्यों उन्हें हार बर्दाश्त नहीं हुई, कबूतर सारे ख़त्म करके बेच के बैठ गए। ठीक है ना, कबूतरों के इलाज इलाज नहीं हुए उनसे, कबूतर नहीं सबले बीमारी आ गए, मर गए, परेशान हो गए, ए साला शौक है कोई है जो हर साल इतने कबूतर मर जाए बीमारी में, ख़त्म करो। जब तुम्हारे बस की नहीं संभालना, बस की नहीं इलाज करना, तो यार क्यों बदनाम कर रहे हो इस शौक को। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा काम ना करो, क्या ऐसा काम ना करो आप कि कबूतर की जान ले रहे हो, कि दुश्मनी किसी से कबूतर को मार रहे हो। ठीक है, इलाज नहीं हो रहा, एक वीडियो डाली थी मैंने वो, ठीक है इलाज नहीं हो रहा, ये झोले में कबूतर है भाई, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कुछ नहीं है, लो जी इसकी गर्दन जो है, लो जी काटी गर्दन और फेंक दिया प्लाट में को, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत बंदों को सुना हमने और देखा भी अपनी आंखों से, बंदे ने यार इसका इलाज नहीं होने का, बचने का नहीं, से हलाल किया काटा उसे और दबा के आ गया, या फेंक दिया कूड़े में फेंक दिया, ऐसे बहुत बंदे करते हैं। ऐसा ना करो, अगर आपसे बीमार कबूतर नहीं संभल रहा किसी को दे दो, कोई बचा लेगा। छोटे मोटे वो कबूतरबाज होते हैं, उन्हें बस लौंग लहसुन खिलाने की आदत होती है और वो बचा लेते हैं कबूतर, आप उनको दे दो, मगर फेंको मत ना, मारो मत ना। ठीक है, इनकी बददुआओं का असर पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ तोबा कर लो, अगर गलत काम कर रखी है माफ़ी मांग लो। ठीक है, नहीं तो मुसीबतें आ जाती हैं। आ गई ना, वो बंदा कह रहा ना कि उस बंदे ने दराती से कबूतर की गर्दन उड़ा दी और आज वो बहुत बड़ी परेशानी में है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे काम ना करें आप। अपना खुद आपके अंदर कमी होती है बाजी उड़ाने में, कबूतर तो आपको क्या पता कबूतर कितना उड़ के आएगा, कबूतर के अंदर घुसे हुए आप, वो क्या मोबाइल की बैटरी की 100% बैटरी, सारा दिन बैटरी चलेगी उसके ऊपर, चेहरे पे झलक रही है कहीं हैं, मोबाइल में तो बैटरी दिख रही है कि हाँ सारा दिन चलेगी, हमने कैसे चलानी है। कबूतर के अंदर क्या दिख रहा है, वो सारा दिन उड़ के आएगा या आएगा, आपके अंदर आपने उसके अंदर एनर्जी भरी या नहीं भरी, क्या खुराकें दी आपने, फिरतों में कैसे उड़ाया आपने, फिरतों में उसकी संभाल सही की या नहीं की, बाजी से एक दिन छोड़ के पहले जो लास्ट फड़क उसकी लेते हैं, उस फड़क में वो कितनी उड़ान दे के आया, उस उड़ान देने के बाद उस कबूतर ने क्या कंडीशन दी, पूरा जोर लगाया आपने उसके बाद उसकी संभाल की या नहीं की, या उस उड़ान के बाद वो सारे जोर लगा के बैठ गया पर छोड़ दिया, मोटर में सूजन आ गई, कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती, आपने वो बात नोट की कबूतर में उड़ा दिया बाजी में, पता ही नहीं कबूतर के अंदर जान है या नहीं है, वो बेचारा मायूस है, उसको टेम्परेचर आई है बुखार में है, या एक लास्ट फड़क में वो पूरा जोर लगा गया, टेम्परेचर बुखार में आ गया, या मोटे सूज गए उसके, ठीक है पूरी जान खुश्क हो गई उसकी, आपने संभाल नहीं करी, पता ही नहीं, कुछ ठाके नुकसे लगा के उड़ा उड़ा दिया, अब उड़ के नहीं आया तो बस गर्दन काट के फेंक दी। ये नॉलेज ना होने की वजह से ये कांड होते हैं दोस्तों। तो प्लीज नॉलेज हासिल करो दोस्तों, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं कड़ी
खरी खरी कड़वी कड़वी बातें बोल दूँ तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। किसी को अगर बुरी बुरी लगे मेरी बात तो प्लीज़, कबूतर का अगर शौक कर रहे हो दोस्तों, उड़ान का शौक कर रहे हो, बाजी का शौक कर रहे हो, कबूतरों पर गुस्सा ना उतारो, ठीक है। कमी आपके अंदर होती है, अपने अंदर झाँको, सारी बात छोड़ो। आप अगर आप उसको खुलाई पिलाई पूरी कर रहे हो, पूरी मेहनत भी कर रहे हो ना उस कबूतर के ऊपर, क्या वो कबूतर शाम तक की उड़ान वाला था? हर कबूतर शाम नहीं मारता, हर रंग हर कलर शाम नहीं मारती। पंजाबी कबूतर हर शाम नहीं मारेगा, हर मलवई कबूतर शाम नहीं मारेगा, हर सहारनपुरी कबूतर शाम नहीं मारेगा, हर टैडी कबूतर शाम नहीं मारेगा, हर गोल्डन कबूतर शाम नहीं मारेगा, हर 35 वाला कबूतर शाम नहीं मारेगा, हर मद्रासी कबूतर, मैं खुद पालता हूँ, शाम नहीं मारेगा, रामपुरी कबूतर शाम नहीं मारेंगे, हर कबूतर शाम नहीं मारेगा। प्लीज़ जानकारी नॉलेज हासिल करो, तब आपको पता चलेगा कबूतर कैसे उड़ता है, कैसे उड़ाया जाता है। और प्लीज़ नफ़रत की, ये नफ़रत की कबूतरबाजी ख़त्म कर दो, प्यार मोहब्बत की करो, आपस में सीखना सिखाना करो, नॉलेज शेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने करना क्या, वो आना कैसे है। नहीं अपना अपना नुस्खा खींच के दबा के बैठे रहोगे ना तो वही 12-12 टाइम पार 12 एक बजे तक रह जाओगे गुस्सा, फिर वही कांड, देवबंद के पास गर्दन काट के फेंक दिया, राज के ऊपर बुरा वक्त आ गया। तो ये काम ना करो दोस्तों, प्लीज़। क्या अगर आप चाहते हो कि घर घर नस्ल बने, घर घर अगर नस्ल बने तो अपने इस भाई का साथ दो, घर घर ज्ञान दो, नॉलेज शेयर करो, कबूतरों की पहचान बताओ। अगर आपको नहीं बताई जाती तो हमारी वीडियो लोगों को दिखाओ, हमारा चैनल लोगों को दिखाओ, अपने यार दोस्तों को दिखाओ कि ये देखो इस चैनल पे सिखाया जाता है, बताया जाता है, सीख, फिर कबूतर पाल सही से सीख, उसका इलाज कर, सीख बच्चे पलवा, सीख उसको संभालना कैसे है, हमारे चैनल पर सब मिलेगा दोस्तों। दिखाओ जनता को, जो पाल रहे हैं ना उनको जाकर के ये चैनल दिखाओ और उनको बताओ कि ऐसे ऐसे शो करना है आपने, और ऐसे लोगों से बचना है आपने, और ऐसे कांड नहीं करने आपने, अपने बच्चों को कैसे, हमारे चैनल पे बच्चों से लेके बड़ों तक कैसे शो करना है सब बताया जाता है, सब सिखाया जाता है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि ये गलत आदमी की वजह से शौक बड़ा बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। हम इस शौक को अच्छा करना चाहते हैं ताकि लोग बाक है ये अच्छा शौक है। आप देख रहे हो ना फेसबुक पे आजकल बड़ी फोटोएं आ रही हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, विदेश में तुर्की की औरतें कितना शौक करती हैं, कितने कबूतर उड़ा रही हैं, कर रही ना बेबी, स्मार्ट स्मार्ट ब्यूटीफुल है ना, आती ना फोटो में, एक से एक स्मार्ट शौक कर रही है, अपना कबूतरबाजी कर रही है, उड़ा रही हैं बेबी, ठीक है। वो अच्छा कहते हैं इस शौक को, मेरे व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज आते हैं, उनके बात होती है तो काफ़ी तारीफ करती हैं करते भी हैं बहुत, जो मेरे साथ मैसेज में बात करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा शौक है, इसके बदनाम ना करें आप। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती किसी की बातें, ठीक है, और ज़बरदस्ती कबूतरबाजी लगाना, तो ये शौक ना करें। कुत्ते या कोई और भेड़ बकरी जानवर पाल लें आप, ठीक है, इस शौक को बदनाम ना करें आप, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसे लगी? नहीं क्या, ज्ञान ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम कर जाओ।